अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 से पहले पहले हम इंटीग्रेशन के जो हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था ना पिछले सेमेस्टर में, हमने इस पूरे कोर्स में अब तक इंटीग्रेशन को ही तरह तरह से डिस्कस किया है। दो चैप्टर्स हमें और करने हैं, उनमें एक है पैरामेट्रिक इक्वेशंस और एक पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये चीजें अगर हम समझ लें और फिर पहले लेवल पे हमने ये कॉन्सेप्ट समझने और फिर जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उनके साथ इनको रिलेट करना है, तो ये है जी बुनियादी काम। हमारी जो अब तक की स्टडी रही है ना, उसमें वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाली चीजें हम करते रहे, मतलब जो हमने एक्सप्रेशंस लिए थे वो वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाली फॉर्म के थे, और फिर जो वाई को फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो फिर आपको याद होगा कि जब हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली कर्व्स को ड्रॉ करते थे तो लेट्स सपोज इस केस में पैराबोला बनती है, तो वो जो पैराबोला है वो फंक्शन है, क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट में जब आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वर्टिकल लाइन उस कर्व को एक ही जगह पे टच करती है। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है ना कि जो तमाम कर्व्स हैं वो फंक्शंस की ग्राफ ही हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने इस तरह का कर्व हो, जैसा ये आपको फिगर 1 में नजर आ रहा है, अब अगर आप वर्टिकल लाइन टेस्ट ट्राई करते हैं तो जो वर्टिकल लाइन है वो इस कर्व को यहाँ पे तीन जगह से कट करती है। तो इस किस्म के जो कर्व्स हैं वो फंक्शंस को रिप्रेजेंट नहीं करते और ना ही वो वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते। तो फिर इस किस्म के सिनेरियो में हमने जो अप्रोच इस्तेमाल करनी है उसमें यह है कि हम एक्स के एक्सप्रेशन को अलहदा डील करेंगे, वाई को अलहदा डील करेंगे, लेकिन करेंगे ये कि ये जो दोनों एक्स है इसको भी एक पैरामीटर टी का फंक्शन लिख देंगे, जो वाई है उसको भी एक पैरामीटर टी का फंक्शन लिख देंगे, फिर आप टी की वैल्यूज चेंज करते जाएंगे तो जो आपके आंसर आएंगे वो आर टू के पॉइंट्स ही आएंगे। तो इस किस्म के सिनेरियो में हम कहते हैं कि दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर स्क्वायर, अगर हमने इसको फंक्शन की बात करनी है इसके साथ। अब आर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि टी जो है वो कोई भी रियल नंबर डालेंगे, जो आपके आंसर्स आने हैं वो आने एफ एफ टी जी एफ टी, वो आपके फिर पेयर में आएंगे। तो लेकिन अगर हम इसको अभी हम वो उस तरह की बात ना करें कि ये आर से आर स्क्वायर में है, तो फिर हम इसके लिए जो एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं जी वो है पैरामीट्रिक इक्वेशंस। अब ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं ये आपको कर्व ट्रेस करके देती है, कोई भी पॉइंट हो वहां पे टी की कोई खास वैल्यू आप डालेंगे तो एफ एफ टी की वैल्यू मिल जाएगी, जी एफ टी की वैल्यू मिल जाएगी, तो फिर टी की तमाम पॉसिबल वैल्यूज आपने प्लग इन करते जाना है, और जब आप टी की वैल्यूज प्लग इन करते जाएंगे तो फिर आपको जो एक्स वाई के डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे वो सारे मिलके कर्व ट्रेस करते। तो ये जो एक्स के लिए एक इक्वेशन, वाई के लिए दूसरी इक्वेशन, तो ये जो इक्वेशंस हैं इनको हम नाम देते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस का, और जो कर्व है उसको हम नाम देते हैं पैरामीट्रिक कर्व। अगर आप सर्कल की इक्वेशन देखें तो जो सर्कल है आपका उसमें भी आप गौर करें तो जो वर्टिकल लाइन टेस्ट है उसमें अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें तो वो सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करता है। अब इसका मतलब ये है कि जो सर्कल है वो भी एक फंक्शन का ग्राफ नहीं है, तो उसको स्केच करने के लिए भी फिर हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल है, स्केच आइडेंटिफाई द कर्व डिफाइंड बाई पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब अगर आपके पास एक्स हो टी स्क्वायर माइनस टू टी, और जो वाई है वो अगर आपका टी प्लस वन हो, और फिर आपसे कहा जाए कि कर्व स्केच करो, तो आप क्या करोगे? तो आपने कर्व को आइडेंटिफाई करना है, तो आपको पैटर्न नजर आना शुरू हो जाएगा जब आप टी की डिफरेंट वैल्यूज डालोगे। तो जैसे यहाँ पे टी की डिफरेंट वैल्यूज डाली, जीरो पे आंसर आपको मिलता है जीरो और वन, एक्स आपका जीरो वाई आपका वन, तो ये देखिए ये इस जगह पे कर्व कट कर रहा है। फिर आप थोड़ा सा ये गौर कीजिए कि जब टी की वैल्यू आती है टू तो एक्स फिर आपका जीरो हो जाता है, लेकिन वहां पे वाई की वैल्यू थ्री आ जाती है, तो ये तो दोनों पॉइंट जहां पे आपका कर्व वाई एक्सिस को कट करता है वो आप देख सकते हैं। जब टी की वैल्यू आती है वन तो आपका कर्व जो है वो एक्स एक्सिस में नेगेटिव साइड पे चला जाता है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। अब गौर कीजिए, ये देखें आप डिफरेंट वैल्यूज टी की डाल रहे हैं, एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं, तो ये कर्व आपके सामने है। जो पार्टिकल की मूवमेंट होती है ना स्पेस में, उसमें जो आपका कोई भी पार्टिकल है वो यूं यूं मूव कर सकता है,
जैसे आपको मेरा हाथ मूव करता नजर आ रहा है, तो जो इस तरह की कर्व्स हैं उनकी जो इक्वेशंस हैं वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस का सहारा लेना पड़ता। तो इसी तरह से जो डिफरेंट कर्व्स हैं, अब वहां पे आपको डिफरेंट एक्स और वाई के लिए इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी, तो आपको इस तरह से वैल्यूज मिलती चली जाती हैं। अच्छा, बाजू का ऐसा होता है कि हम टी की एक वैल्यू से स्टार्ट करते हैं और फिर एक वैल्यू पे जाके एंड कर देते हैं, जैसे आप यूं समझ लीजिए जैसे हम टाइम की बात कर रहे हैं। तो जहां से आपने स्टार्ट लेना शुरू करना है, जैसे ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, तो जहां पर टी की जो कम से कम वैल्यू है वो ए है और मैक्सिमम वैल्यू बी है, तो जो वैल्यू ए पे आ रही है उसको जैसे आप सोच सकते हैं ये इनिशियल पॉइंट, और जो फाइनल बात है वो आपका आ गया जी टर्मिनल पॉइंट। ये जो मैं आपसे सर्कल की बात कर रहा था, अब ये देखिए ये जो सर्कल है आपका, ये सर्कल का कोई भी गिवन पॉइंट है उसको हम अगर एक्स और वाई की मदद से रिप्रेजेंट करना चाहें, तो जो एक्स है वो कॉस टी और जो वाई है वो साइन टी, तो अगर मैं ये जिस जगह पे कर्सर मूव कर रहा है यहाँ पे अगर आप गौर करें तो टी की वैल्यू जीरो तो कॉस हो जाएगा आपका वन, वाई हो जाएगा जीरो। ये जिस जगह पे ये दूसरा एरो लगा हुआ है यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपकी जो टी की वैल्यू जब पाई बाई टू होगी तो एक्स आपका हो जाएगा जीरो और वाई की वैल्यू हो जाएगी वन। फिर इसी तरह से टी की वैल्यू जब आप पाई लेंगे और जब टी की वैल्यू आप थ्री पाई बाई टू लेंगे तो ये आपको चार पॉइंट्स तो समझ आते हैं। जब टी की वैल्यू जीरो और पाई बाई टू के बीच में होगी तो आपका जो कॉस टी साइन टी मिलके जो कर्व बनाएंगे वो ये वाला आपकी आर्क बनेगी, और फिर जब पाई बाई टू से आगे चलेंगे और पाई तक जाएंगे तो ये बनेगी, फिर जब पाई से आगे चलेंगे और थ्री पाई बाई टू तक होंगे तो ये वाली आर्क बनेगी एंड वी मूव ऑन, पर जब थ्री पाई बाई टू से आगे चलेंगे और टू पाई तक जाएंगे तो ये आर्क बनेगी। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, और जब अगर आपने इसकी इसमें से टी को इलिमिनेट करना हो तो टी को इलिमिनेट करके आपको यही पुरानी वाली इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन वाली मिल जाती। अब अगर आप ये जो आर्ग्यूमेंट है टी उसकी बजाय टू टी इस्तेमाल करें तो तब भी आपके पास जो कर्व बनेगा वो एक सर्कल ही होगा। तो अब इस केस में आप इसका उसके पहले वाले कर्व के साथ अगर आप कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे कि जो स्पीड है वो बढ़ गई हुई है, जो कर्व है ये ज्यादा तेजी से वो सर्कल को ट्रेस कर। वी मूव ऑन, और ये जो हमने ये आर्गुमेंट में चेंज वाली स्टोरी है ये हम पिछले कोर्स में ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। ये जी फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द सर्कल विद सेंटर एच के एंड रेडियस आर। ये अगर हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन एक ऐसे सर्कल की आइडेंटिफाई करनी हो जिसका सेंटर एच के है और रेडियस आर है, तो इस केस में हम पिछला जो प्रॉब्लम है हमारा एग्जाम्पल टू उसके एक्सप्रेशंस को मॉडिफाई करके ये वाली जो अपनी इक्वेशंस हैं ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसकी सादा सी एक्सप्लेनेशन आपको दी। फिर अगर आपकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस एक्स इक्वल टू साइन टी हो और वाई जो है वो साइन स्क्वायर टी हो, तो जो कर्व है आपने टी की डिफरेंट वैल्यूज प्लग इन करते जाना है और आपको डिफरेंट वैल्यूज कर्व की मिलती जाएंगी। अब यहाँ पे ना जो पैरामीट्रिक कर्व्स हैं उनमें आपको ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। अब ये अगर आप गौर करें तो ये आपका जो कर्व है ये y इक्वल टू साइन टू टी का कर्व है, लेकिन ये अगर आप कर्व देखें तो ये आपको x इज इक्वल टू कॉस टी और y इज इक्वल टू साइन टू टी। तो ये अगर आप फिगर एट में ये वो जो वाली जो स्काई ब्लू कलर का ये जो डायग्राम है इस फिगर में आप नोट कर सकते हैं कि ये ग्राफ फंक्शन का ग्राफ नहीं। अब मैं आपको इनकरेज करता रहा हूँ कि आप ग्राफिंग कैलकुलेटर्स को यूज करें, तो आप ग्राफिंग डिवाइसेस यूज कर रहे हैं ऑलरेडी तो आप नोट कर पाएंगे कि जो डिफरेंट ग्राफिंग डिवाइस कैलकुलेटर्स हैं वो आपको ये सारे कर्व्स देते हैं। तो ये आपने उसमें एक्सप्रेशंस चेंज करते चले जाना है, तो जो ग्राफिंग कैलकुलेटर्स हैं वो आपको डिफरेंट कर्व्स ट्रेस करके देंगे। एग्जाम्पल सिक्स इसको भी अगर आप ग्राफिंग डिवाइस में डालेंगे तो आपको तरह तरह के कर्व्स मिलेंगे। ये जो फिगर 10 है, फिगर 11 है, फिगर 12 है, ये आप हाथ से नहीं बना पाएंगे, तो आप जो ग्राफिंग कैलकुलेटर्स हैं उनको यूज करें, ग्राफिंग डिवाइसेस को यूज करें, तो ये चीजें आप समझ सकते हैं। ये साइक्लॉइड के बारे में आप लोगों की तरफ से काफी सारे सवाल आए,
तो साइक्लॉइड मैंने पहले भी आपको वॉइस मैसेज के जरिए एक्सप्लेन किया था, ये जरा देखिए होता क्या है कि जब हम सर्कल के ऊपर ना कोई पॉइंट मार्क कर लेते हैं, जैसे सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट पी मार्क कर लिया और फिर सर्कल को आपने रोल करना शुरू कर दिया, पॉइंट पी जिस जिस जगह से गुजरता है उस जगह पे कर्व बनती चली जाती है, तो वो जो कर्व बनती है ये आपको ऑलमोस्ट ये जो मैरून कलर का ये जो कलर है ये वहां वहां से पॉइंट पी मूव करता जा रहा है। जैसे ये ब्लू सर्कल है अगर आप गौर कीजिए तो जैसे ये रोल बैक हम इसको करेंगे तो ये एक स्टेज पे यहाँ पे पी पे होगा, फिर आप इसको रोल बैक करें तो जो सर्कल के ऊपर पॉइंट है वो आपने फिक्स करना है और फिर रोल करना है, तो जहां जहां पे वो पॉइंट पी मूव करेगा तो जो कर्व बनेगी उसको हम साइक्लॉइड कहते हैं। अब इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस कंप्यूट करनी थी और इसके बारे में आप लोगों के कुछ सवाल थे, तो ऐसा करते हैं कि ये मैंने सारी कर्व आपके सामने लिया, ये जरा फिगर 14 देखते हैं। फिगर 14 में ये जो पॉइंट पी है इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स और वाई, तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस कंप्यूट करते वक्त मुझे एक्स और वाई की वैल्यू ही चाहिए। अब एक्सिस में क्या है, एक्स ओरिजिन से अलोंग एक्स एक्सिस जो इसकी मूवमेंट है पॉइंट की वो रिप्रेजेंट कर रहा है और जो वाई है वो ओरिजिन से अलोंग जो वाई एक्सिस इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसकी मूवमेंट हमें बता रहा है। अब फर्ज कर लीजिए कि हमने इस केस में जो एंगल ऑफ रोटेशन थीटा है वो तय कर लिया, और जब एंगल ऑफ रोटेशन मतलब अभी हमने इसको घुमाया नहीं है तो तब थीटा की वैल्यू जीरो है ओरिजिन पे, और जैसे ही आप उसको थीटा रेडियन का चक्कर देते हैं, तो जैसे ही आप उसको थीटा रेडियन का चक्कर देते हैं तो उसके बाद ये जो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो बन जाते हैं आर थीटा। अब इसमें आर थीटा क्या है, आर थीटा आपकी ये वाली जो ये जो ओ टी लेंथ है ये है। अब आर थीटा ये कैसे बनती है, अब ये जो आर थीटा है ये आप गौर कीजिए ये आपकी है आर्क पी टी। सपोज द सर्कल हैज रोटेटेड थ्रू थीटा रेडियंस बट द सर्कल हैज बीन कॉन्टेक्ट इन विद दिस लाइन। अब ये जो लाइन है ना जब सर्कल आपका मूव किया तो इस लाइन के साथ साथ मूव किया, तो जितनी ये आर्क की लेंथ है ये जो पी टी आर्क की लेंथ है उतना ही आपका ओ टी डिस्टेंस कवर हुआ, तो आपको वो एस इक्वल टू आर थीटा वाला फार्मूला याद होगा। तो ये वो आपका जो एस ना ये जो आर्क लेंथ है ये वाली वो आपको एस की वैल्यू दे रही है, तो यहाँ से हमें ये अंदाजा हो जाता है कि क्योंकि ये ओ टी और ये आर्क लेंथ बराबर है तो ये आपकी वैल्यू आ गई आर थीटा। अब जब हमें ये वैल्यू एक्स की मिल गई तो ये जो डिस्टेंस है दूसरा वाई एक्सिस वाला इसमें कोई ज्यादा ये इसमें चेंज नहीं आई, तो ये जो डिस्टेंस है ये आर के बराबर ही है, ये वाला जो आपका डिस्टेंस है ये आर के बराबर ही है। अब जब हम x की वैल्यू देखने लगते हैं तो जो x की वैल्यू है वो OT में से आपने P ये जो ये वाला डिस्टेंस PQ है ये सबट्रैक्ट कर देना, ये जो PQ है ये इस डिस्टेंस से लेके यहाँ तक इसके भी बराबर है, ये जो मैं P को अगर यहाँ पर ड्रॉप किया हुआ तो जितनी लेंथ ये है उतना ही ये PQ है, तो OT जिसको हमने R थीटा डिक्लेयर किया तो माइनस PQ। अब PQ जरा आप समझेंगे ये जो एंगल थीटा है ये यहाँ पे सेंटर पे बना हुआ है, अब थीटा के सामने वाली ये वाली लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है ये बेस हो गया आपका, तो जब हमने परपेंडिकुलर ये वाली लाइन हमारी परपेंडिकुलर है तो जो साइन थीटा है उस केस में ये आपका आ जाएगा पी क्यू डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू साइन थीटा, तो फिर वहां से जो पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी वो आर साइन थीटा के बराबर, वो वैल्यू आपने सब्सटीट्यूट कर दी। और जब आप वाई की बात कर रहे हैं तो वाई की बात करते वक्त ये टोटल हाइट तो आपको पता है वो है आर, वो हो गई आपकी टी सी, उसमें से सब्ट्रैक्ट आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट आपको करनी है ये वाली लेंथ जो है क्यू सी। अब क्यू सी जो लेंथ है वो यहाँ पे बेस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो फिर आपके पास आ जाएगा आर कॉस थीटा, तो ये आपकी दूसरी लाइन आ गई। तो इसका मतलब ये है कि जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है साइक्लॉइड की ये दो आ गई एक्स और वाई। आगे चलते हैं, ये जो ब्रेक किस्टोक्रोन प्रॉब्लम है मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, ना ही टाटोक्रोन प्रॉब्लम पे बात कर रहा हूँ, मैं आगे चल रहा हूँ। और अब हमने इसका मतलब ये है कि एक और कीजिए अगर आप, तो जो सर्कल जब हम ट्रेस कर रहे थे तो सर्कल में एक टर्म आप यूज करते हैं आर कॉस टी या थीटा, अब वो जो रेडियस है उसको आप फिक्स कर देते हैं और फिर आप उसको दूसरे पैरामीटर के अबाउट मूव करवाते हैं।
तो आपके ना जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है इनमें आपके दो दो पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, लेकिन एक उनमें वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा हो, एक की वैल्यू आपने फिक्स कर दी और दूसरा चेंज होता चला जाए, तो आपके ये जो वेरिएबल्स हैं उनकी मदद से आपने ये इक्वेशन डिफाइन करनी है और फिर बीच में आपकी फिक्स क्वान्टिटीज आ जाएगी। ये डायग्राम्स हैं, इनको आप देखेंगे, इसकी जो फर्दर डिटेल्स है वो हमारे अभी डिस्कशन में लाना जरूरी नहीं है। ये आपकी जो एक्सरसाइज है 10.1, इसके जो पहले चार क्वेश्चंस हैं ये आपने अपनी ग्राफिंग डिवाइस पे स्केच करने हैं। फिर इसी तरह से 5-10 को भी आपने बीच में कुछ पार्ट स्केच करना है। फिर 11-18 में ये इलिमिनेशन है जो आपसे हो पाए। एक्सरसाइज में जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हम पहले करते होते हैं, जो सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को आपने अब अटैक करना है, जो बाकी की प्रॉब्लम्स हैं उनको हम ड्रॉप कर देंगे। अच्छा, हम जब पहले सारी जो डिस्कशन कर रहे थे वो थी y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाली स्टोरी। अब हम आ गए हैं जी पैरामीट्रिक इक्वेशंस और पैरामीट्रिक कर्व्स की ऊपर बात करते हो। तो अगर जो अगला कैप्शन है वो है जी कैलकुलस विद पैरामीट्रिक कर्व्स। अब जब कैलकुलस की हम बात कर रहे हैं तो फिर हम टेंजेंट की बात करेंगे, और आपको याद होगा वो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है वो हमारा होता था dy/dx। अब यहाँ पे आपका जो पैरामीटर है वो हम t यूज कर रहे हैं, तो अगर हम y की चेंज को स्टडी करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें चेन रूल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखिए dy/dt इज इक्वल टू एक्चुअली इक्वल टू dy/dx टाइम्स dx/dt, और ये चेन रूल की बातें जो हम पहले सेमेस्टर में डिफरेंशिएशन में देख चुके हैं। तो ये dy/dx आ जाएगा, फिर आपका dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt, और यहाँ पे हम ये सोच रहे हैं कि जो dx/dt है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो। आप इसके जब सेकंड डेरिवेटिव लेना चाहेंगे तो फिर आपको यही प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। एग्जाम्पल वन अगर आप देखें तो एग्जाम्पल वन में आ कर्व इज डिफाइंड बाय द पैरामीट्रिक इक्वेशंस। अब ये आ गया जी आपका कर्व, ये आप कर्व नजर आ रहा है फिगर वन। शो दैट द कर्व हैज टू टेंजेंट्स एट पॉइंट 30 एंड फाइंड देयर इक्वेशंस। अब हमने करना क्या जी, हमने प्रूव ये करना है कि पॉइंट 30 पे दो इसके टेंजेंट्स हैं और फिर उनकी इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन सी वेयर द टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और फर्दर हमें इस कर्व को स्केच करना है। अच्छा, एक चीज और, जो कर्व को स्केच करते वक्त हमें जरूरत पड़ जाती है बाज का टेंजेंट लाइंस की, बाज का स्लोप्स की, और अगर हम ये चीजें कंप्यूट कर लें तो हमें कर्व के बारे में बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसीलिए उसने डी पार्ट में कहा कि जब आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो फिर आपने कर्व स्केच करना। जो आपकी वाई वाली इक्वेशन थी दैट इज t³ - 3t, तो अब ये इक्वेशन जो है ये जीरो कब होती है, जब आपका t जीरो हो या फिर आपका t जो है वो +/√3 हो। इसका मतलब ये कि ये जो पॉइंट है ना आपका 30, ये दो डिफरेंट पॉइंट से मिल रहा है आपको, ये जो therefore the point 30 on C, ये वाला पॉइंट आप चेक करें। जब आपने t की वैल्यू रख दी ना जीरो, तो x आपका जीरो हो गया, तो ये आपको फिर जब t की वैल्यू आपने जीरो रखी, x आपका जीरो हो गया, तो y की वैल्यू फिर आपके क्या पास, y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है जी, y की वैल्यू आपके पास आ रही है इन दैट केस so when t is 0, x is 0, and in that case y is also 0। ये गौर कीजिए, जब t की वैल्यू आप दोनों जगह पे 0 रखेंगे तो ये 0-0 पॉइंट मिल रहा है, लेकिन जब t की वैल्यू आपने रखनी है √3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3, जबकि ये जो t³ - 3t वाला ये वैल्यू अब आपके पास आ जाएगी 0। तो ये दो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। दिस इन, अब आप हमें ये पता चला कि जब t की वैल्यू दो जगह पे मिल रही है हमें, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 0.30 है
इस पे आपका जो कर्व है वो खुद को क्रॉस करता है 3-0 पे, तो फिर वहां पे हम नोट ये करते हैं कि dy by dx जो है दैट टर्न्स आउट 3/t, तो वो dy by dt का आपने वैल्यू डाल दी और फिर dx by dt की वैल्यू डाल दी, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 3/2t - 1/t. तो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट व्हेन t इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 इज dy by dx, और वो फिर आपने t की वो वैल्यू डाल देनी है. तो फिर यहां से आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मिल जाती है. तो ये हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन कंप्यूट कर ली, तो ये आपके पास ये दो लाइंस आ गई, एक प्लस 3 के साथ और दूसरी माइनस 3 के साथ. अब गौरतलब बात ये है कि आपका जो हॉरिजेंटल टेंजेंट है, हॉरिजेंटल टेंजेंट का मतलब क्या होगा कि dy by dx की जो आपकी वैल्यू है वो जीरो होगी, और dy by dx की वैल्यू हमारी जीरो कब होगी, dy by dx ये वाला आपका एक्सप्रेशन है, तो ये वैल्यू आपकी तभी जीरो होगी जब dy by dt को आप जीरो लिखेंगे, और साथ ही आप ये शर्त लगाएंगे कि dx by dt जीरो ना हो. तो dy by dt की वैल्यू जीरो कब होगी, dy by dt की एक्चुअली आंसर आ रहा है 3t² - 3t. तो इसका मतलब ये कि अगर मैं इसको जीरो के बराबर रख दूं तो इसका मतलब ये होगा कि ये यहां से मुझे मिल जाएगा t² = 1. सो दैट मींस कि जब t की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी तो उस स्टेज पे dy by dt जो है दैट इज जीरो. तो फिर कोरिस्पोंडिंग पॉइंट्स जो हमें मिल रहे हैं दे आर 1 and -2. 1 and -2 ये आपका ऊपर वाला पॉइंट है, और फिर दूसरा आपको पॉइंट मिल रहा है, सॉरी 1 and -2 ये नीचे वाला पॉइंट है, और 1 और +2 ये ऊपर वाला पॉइंट है. तो इसका मतलब ये कि यहां पे दो जगह पे आपको हॉरिजेंटल टेंजेंट मिलते हैं, 1 और +2 पे 1 और -2 पे. अब सी का वर्टिकल टेंजेंट कब होगा, सी के वर्टिकल टेंजेंट का मतलब ये कि ये जो dx by dt है ना ये आपका जीरो, dx by dt जीरो होने का मतलब ये है कि जी फिर आपका t जीरो हो जाएगा. तो कोरिस्पोंडिंग पॉइंट जो फिर आपको मिल रहा है ये आपका वर्टिकल टेंजेंट है, तो फिर आपका जो कोरिस्पोंडिंग पॉइंट इस केस में मिल रहा है दैट इज 0 0. अब एक टर्म ना वो कनकेविटी की है, जो मैंने आपको एक छोटी सी असाइनमेंट भी दी हुई है. अगर आपके कर्व का टेंजेंट जो है वो लाइन नीचे हो तो हम कहते हैं कनकेव अप, अगर टेंजेंट लाइन ऊपर हो तो फिर हम कहते हैं कनकेव डाउन. उसके लिए वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और वो सारी चीजें हैं. तो कर्व आपका कनकेव अप उस वक्त होगा जब आपकी जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है, ये टी पॉजिटिव होगा क्योंकि हमें ये टर्म पॉजिटिव चाहिए, और कनकेव डाउनवर्ड तब होगा जब टी ये है वो नेगेटिव होगा. फिर ये सारी बात को यूज करते हुए, अच्छा कनकेविटी चेंज कब होती है, जब आपका टेंजेंट चेंज होता है. टेंजेंट चेंज होने का मतलब ये कि एक स्टेज पे आपका जो टेंजेंट है वो कर्व के नीचे होगा और उसके बाद एक स्टेज पे जाके कर्व से ऊपर हो जाएगा, तो ये कनकेविटी चेंज है. तो यहीं पे यही जो सारी इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके ये स्केच किया हुआ कर्व, ये कर्व की स्केचिंग आपको समझ आ जाए तो बेहतर है, और अगर नहीं आती तो वरी नहीं करनी आपने, ये लेटर स्टेज पे हम इसको रिपीट कर लेंगे. आगे जो टेंजेंट टू द साइक्लॉइड है वो आपने फाइंड द टेंजेंट टू द साइक्लॉइड एट द पॉइंट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 एंड एट व्हाट पॉइंट्स इज द टेंजेंट हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल कब है. तो जो डिस्कशन हमारी ऊपर हुई है ऑलमोस्ट सेम आर्गुमेंट है यहाँ पे, तो ये आप यहाँ पे भी वो उसी तरह से जो आपके है ना टेंजेंट्स उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये जो हमने ना पैरामीट्रिक इक्वेशंस वाली जो सारी बातें वो स्टडी कर ली, जो एरिया है आपका एरिया प्रॉब्लम, और आगे चल के हम इसको देखेंगे. एरिया प्रॉब्लम में हम वाई डी एक्स यूज किया करते थे कि अगर आपको वाई की पैरामीट्रिक इक्वेशन मालूम हो, एक्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन मालूम हो, तो ये जो वाई डी एक्स है हम इसकी शेप चेंज कर लेंगे, और फिर जब आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में एरिया की प्रॉब्लम नजर आएगी तो आप सिर्फ उनमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे. तो इसकी ये एग्जांपल अगर आप देखें तो इसमें एक्स आपको दिया हुआ है, वाई आपको दिया हुआ है, और आपने सिंपली एक्स की जगह वाई की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दी है, और जब डी एक्स लिखा तो फिर डी आपने डी एक्स कंप्यूट कर लिया, और डी एक्स कंप्यूट करने के बाद आपने कोरिस्पॉन्डिंगली वो वैल्यूज यहाँ पे प्लग इन कर दी और फिर उनको थीटा के हिसाब से कंप्यूट कर लिया. ये आर्क लेंथ के केस में भी इसी तरह से चीजें हैं कि जो हमने एक्सप्रेशंस डेवलप किए हुए उन एक्सप्रेशंस में हम सिर्फ वैल्यूज डालते चले जा रहे हैं. तो
ये जो आर्क लेंथ है, यहाँ से हम अपनी डिबेट को आगे लेके चलेंगे। एरिया की प्रॉब्लम जो है उसमें अगर आपकी कोई दिक्कत होगी तो उसको भी दोबारा देख लिया जाएगा। तो अब हम कर क्या रहे हैं कि जो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाला हमारा सिनेरियो था, उसकी जगह पे अब हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस और पैरामीट्रिक कर्व्स यूज करना शुरू कर दिए। मैं ये थोड़ी सी डिबेट है और ये इस पूरे चैप्टर में ना वो सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल होंगे जो हम पहले पढ़ चुके हुए, तो आप लोग जो पहले वाले कॉन्सेप्ट हैं उनके साथ इनको रिलेट करके समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें पिछले कॉन्सेप्ट भी जानने और ये जो डिबेट हमारी यहाँ पे पैरामीट्रिक इक्वेशंस की स्टार्ट हुई है इसको भी हमने समझना है। और जो आपका अगला सेमेस्टर होगा उस अगले सेमेस्टर में दोबारा से हमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस को आप अच्छे से समझ लेंगे। खुदा हाफिज। और यहाँ पे ही वीडियो को मैं खत्म कर रहा हूँ।